time. You're still in the back of my mind. Hello, hello guys, welcome to my channel. So सबसे पहले तो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे गई थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि मैं लेट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। उसका रीज़न यही था कि मैं अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे जाने वाली थी, तो उसी को कुछ क्लिप मैंने यहाँ पे दिखाई है। जैसे कि सबसे पहले मैं गई थी मथुरा वृंदावन, उसके बाद हम गए थे जयपुर। जयपुर में 3 दिन स्टे किया था, उसी में से एक दिन हम गए थे जीन माता मंदिर एंड खाटू श्याम बाबा जी, तो वहाँ की भी क्लिप्स मैंने दिखाई है। ये जो पिछली क्लिप में मंदिर था वो जयपुर का मंदिर था। बीच का जो होता है वीडियो, मतलब जो भगवान जी थे उनका वीडियो मैंने नहीं निकाला था क्योंकि वो ऑलो नहीं होता है। एंड दिस इज़ पिंक सिटी जयपुर, और जो लोग जयपुर में रह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज यू आर लिविंग, क्योंकि 47 डिग्री सेल्सियस में अगर कोई इंसान जिंदा रह पा रहा है, मतलब मैं जैसे ही बाहर निकलती थी ना हालत टाइट हो जाती थी 10 ही मिनट में, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर था। वैसे महाराष्ट्र में मैं इस साल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बट इतना नहीं है जितना जयपुर में था, और महाराष्ट्र में मैं सारी जगहों पे नहीं है। जिस सिटी में मैं रहती हूँ उस सिटी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। वैसे ये क्लिप आमेर फोर्ट की थी, आमेर फोर्ट का ये जो बाहर वाला पार्ट था ये वो था। एंड आमेर फोर्ट के ना 3-4 पार्ट है, उसी में से एक पार्ट था शीश महल जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। एंड यार सीरियसली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, लाइक हर चीज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, देखने जैसी थी। बस टेम्परेचर ऐसा था ना कि हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, तो हम बहुत जल्दी जल्दी घूम के वहाँ से बाहर निकलने में लगे हुए थे। बाकी द आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। लेकिन वो जो इन्जॉय अभी बैकलॉग में निकल रहा है मेरा, कोई बात नहीं वो भी कवर कर लेंगे। उसकी भी मैंने वैसे ट्रिप बताई है, मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि बैकलॉग कैसे कवर करना है, तो अभी मैंने आप ही लोगों के लिए बैकलॉग भी बना लिया है जिससे कि मैं बता सकूँ कि बैकलॉग कैसे क्लियर करना है। सो ये था जल महल। जल महल के बाद हम गए थे सिटी पैलेस, उसके बाद भी हम बहुत ज़्यादा घूमे थे, लेकिन वो क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि मेरी बाहर आस्ट्रियन बॉडी को लिटरली वो टेम्परेचर सूट नहीं हो रहा था, मैं ऑलमोस्ट बीमार हो गई थी। एंड उसके बाद भी हम 2-3 सिटीज़ एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मुझे सडनली रिमेंबर हुआ कि मैं स्टडी ब्लॉग्स बनाती हूँ। सो जब अब याद आ ही गया है कि मैं स्टडी ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो पढ़ाई के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सो 30 मई को मैं घर पे आ गई थी, एंड उस दिन मैंने अपने मेंटोर के सजेशन से ब्रेक ही ले लिया था। 31 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, एंड उस दिन मैंने कुछ भी टाइम बाउंड पढ़ाई नहीं की थी, जैसे कि मैं स्लॉट्स बनाती हूँ एंड देन पढ़ती हूँ। मैंने स्लॉट्स नहीं बनाए थे, मैंने सीधा पढ़ा था। क्यों ऐसा किया था वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आज के यूनिक इवेंट का सोल्यूशन ले रही थी, मतलब बहुत सारे लोग पूछते कि बैकलॉग कैसे क्लियर करें, हमारा बैकलॉग हो गया है, तो बैकलॉग तो फिलहाल मेरा भी हो गया है। सो बैकलॉग क्लियर करने के लिए सबसे पहले तो मैंने अपने मेंटोर से सजेशन लिए 2-3, एंड जो मैं फॉलो करती हूँ वो भी यूज़ किए, मतलब 50% मेंटोर से सुना है एंड 50% मेरे मन का सुना है। सो सबसे पहले तो मैंने चेक कर लिया कि नेक्स्ट टेस्ट कब है। मैं ये संडे वाला टेस्ट तो नहीं दे पाऊँगी, तो इसी वजह से मैंने नेक्स्ट संडे वाला टेस्ट, मतलब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा जो भी, उसकी डेट पता कर ली। तब तक मुझे बैकलॉग क्लियर करना होगा, ये तो मुझे पता चल गया था। तो उसके बाद मैंने जो भी था, मतलब जूलॉजी के कितने लेक्चर का बैकलॉग हुआ है, बॉटनी के कितने लेक्चर का बैकलॉग हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री के कितने लेक्चर का है एंड फिजिक्स का कितने लेक्चर का है, ये लिख लिया था। एंड उन लेक्चर्स को ना डिवाइड कर दिया था कि किस दिन मुझे कितने ज़्यादा लेक्चर करने, मतलब जैसे सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, तो अगर उस दिन मैं 3 लेक्चर भी करूँ तो भी चलेगा, 4 लेक्चर करूँगी तो भी चलेगा। एंड नॉर्मल डेज पे तो हमारे 3 लेक्चर आते ही है, तो उन्हीं के साथ साथ मुझे बैकलॉग कवर करने के लिए 1 लेक्चर और ज़्यादा करना पड़ेगा जिससे कि मेरा बैकलॉग खत्म हो जाए। अगर आपका बैकलॉग है ना, तो पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज चूज़ कीजिए। जैसे कि मैंने 16 जून तक बैकलॉग खत्म करने का डिसाइड किया है, क्योंकि मेरा ज़्यादा बैकलॉग है नहीं, रोज़ मैं 1 ही लेक्चर एक्स्ट्रा करूँगी एंड साथ ही साथ सेल्फ स्टडी भी करूँगी, तो मेरी पढ़ाई एंड बैकलॉग एक साथ होता रहेगा, तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे यू कैन फाइंड इट आउट कि आप कितने दिन में कितने नंबर ऑफ लेक्चर खत्म कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका ज़्यादा बैकलॉग है तो आप 1 मंथ ले सकते हो। एंड रोज कितने नंबर ऑफ लेक्चर आपको ज़्यादा करने हैं, 3 जो हमारे लेक्चर आते हैं वो तो आते ही है, लेकिन कितने नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा करने हैं वो भी डिसाइड कर लीजिए एंड उसी के हिसाब से चलिए। तो इससे आपका बैकलॉग क्लियर हो जाएगा जल्दी जल्दी, सेल्फ स्टडी भी होती रहेगी एंड सारी चीज़ें ना एक सिंक्रोनाइज्ड वे में चलेगी।
तो मैं तो हमेशा ऐसे बैकलॉग क्लियर करती हूँ अगर मेरा हो गया होगा, क्योंकि इससे मुझे आसानी होती है बैकलॉग क्लियर करने में। एंड मैं टेस्ट भी दे पाती हूँ, जैसे कि हमारा 16 जून को टेस्ट है, तो इसी वजह से मैं 16 जून तक अपना बैकलॉग खत्म करने वाली हूँ। और क्योंकि मैं साथ ही साथ पढ़ाई भी करती रहूँगी, तो मुझे टेस्ट के दिन कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मैं कितने दिनों से लेक्चर ही कर रही हूँ एंड अब अचानक से टेस्ट, तो वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं जो लेक्चर्स होते हैं उसी के साथ साथ सेल्फ स्टडी भी करती रहूँगी। वैसे मैंने जूलॉजी के 3 ही लेक्चर बचे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं जूलॉजी के 3ों लेक्चर कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा जूलॉजी का बैकलॉग क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जूलॉजी के साथ ही स्टार्ट किया, एंड क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की थी जूलॉजी की, सो सबसे पहले मैंने जूलॉजी की नोट्स रीडिंग कर ली थी, जिससे कि मुझे याद आ जाए जो मैं पढ़ रही थी वो। सो नोट्स रीडिंग में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 47 मिनट्स लगे थे। एंड उसके बाद मैंने 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, देन मैं कर रही थी फर्स्ट लेक्चर के बाद मैं सेकेंड लेक्चर कर रही थी। एंड क्योंकि मैं सुबह से कंटिन्यूसली जूलॉजी पढ़ रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट अगर हम दिन भर पढ़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बोर होने लग जाता है। सो थर्ड लेक्चर करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा था। थर्ड लेक्चर 1 आवर एंड 30 मिनट्स का था, जो मैंने 2 आवर्स में कम्प्लीट किया था। सो यू कैन इमेजिन कि मुझे कितना ज़्यादा आलस आ रहा था वो लेक्चर कम्प्लीट करने में, फिर भी मैंने किया था। सो ये थर्ड लेक्चर ही है इस क्लिप में। से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैं टाइम बाउंड पढ़ाई क्यों नहीं कर रही थी, मतलब जैसे कि मैं हमेशा स्लॉट बना के पढ़ती हूँ। सो एक्चुअली मेरा बैकलॉग हो रखा है, तो इस वजह से मैं अपना टाइम टेबल चेंज करूँगी, एंड 16th of June तक मेरा टाइम टेबल थोड़ा डिफरेंट होगा, जो कि मेरे मेंटोर मुझे बना के देंगे। सो मेरे मेंटोर ने मुझे आज ही वो टाइम टेबल दिया है, सो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो टाइम टेबल डिस्प्ले करूँगी एंड आपको दिखाऊँगी कि कैसा टाइम टेबल है मेरा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। बाय द वे मैं यहाँ पे DPP सॉल्व कर रही थी, एंड मैंने पूरी जो 9 DPPs है इस चैप्टर की वो कर ली थी, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। सो मैंने 9 की 9 DPPs भी खत्म कर ली थी, एंड उसके बाद मैं कर रही थी इस चैप्टर की नोट्स रीडिंग। वैसे NCERT रीडिंग करते करते मुझे 1 आवर एंड 30 मिनट्स हो गए थे, एंड पूरे दिन जूलॉजी पढ़ पढ़ के मैं बहुत ज़्यादा बोर फील कर रही थी। सो इसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया था, मैंने ब्रेक ले लिया था, मतलब दिन ही एंड कर दिया था मेरा, 7 ही बजे थे तब तक। लेकिन क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने PYQs नहीं लगाए थे, मैंने आज सुबह ही PYQs लगाए थे। ये वीडियो वैसे कल का है ना, तो मैंने आज ही PYQs लगाए थे, एंड मेरा टोटल स्टडी टाइम था 8 आवर्स। एंड या दैट वाज फॉर टुडे गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब।